राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर आज फैसला होना है। पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर में मौजूद है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के बाद राजस्थान में सीएम पद को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को दिल्ली से जयपुर बुलाया गया है। पार्टी ने उन्हें विशेष विमान से जयपुर आने के निर्देश दिए। वे 3 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद से कैलाश चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कैलाश चौधरी ने 2018 में बायतू विधानसभा से चुनाव लड़ा था, वह ये चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्हें 2019 में बाड़मेर से संसद का टिकट दिया गया। कैलाश चौधरी बाड़मेर से पहली बार लोकसभा सांसद है। उन्हें पहली बार जीतने पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया। कैलाश चौधरी संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, सक्रिय संघ कार्यकर्ता हैं। राजनीति की जानकारी की माने तो वे एबीवीपी से भी जुड़े रहे हैं। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री को रिसीव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे। यहां सीपी जोशी और वसुंधरा राजे ने राजनाथ सिंह का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होटल ललित में क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, विनोद तावड़े, सरोज पांडे भी मौजूद रहे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना हुए, जहां पर विधायक दल की बैठक जारी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को दिल्ली से विशेष विमान से जयपुर बुलाए जाने के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि राजस्थान में जाट चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री की मांग उठ रही थी। ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और कैलाश चौधरी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं सीएम पद को लेकर जारी कयासों के बीच बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं, तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया, ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदुपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। वसुंधरा जी भी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, रहिए ना, उनके अभी खासी मीटिंग हो रही है, विधायक पहुंच रहे हैं तो। नहीं, वो तो सब जगह जा रहे हैं विधायक, तो मेरे यहाँ भी आए कुछ, ओम माथुर जी के पास भी गए, सीपी साहब के पास भी गए, वैसे वसुंधरा जी के पास जा रहे हैं। तो जीत के आना, ये खुशी का इजहार करना एक रूटीन की प्रक्रिया है, इसलिए वसुंधरा जी के पास लोग जा रहे हैं। तो आज भी एक सरप्राइज के लिए तैयार रहे हैं। बिल्कुल, आपको एक सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए।